This is my second session or it's been really really good. I feel much better. Assalamu alaikum ji, this is Salman Firoz. I am an exercise physiologist and a chiropractor. Aaj ki is video mein hum ji aapko ek patient se milane wale hain. Inka naam hai ji Imran Khalid sahab. Ye cricketer hain, PSL ki taraf se ye khel chuke hain aur aaj hum inhe general alignment ke liye hum in ye hamare paas tashreef laaye hain. Hum inke adjustment karenge aur aapko pura video dikhayenge. To video ke end tak lazmi dekhiyega aur agar aapko ye interesting lage to hamare is video ko share kijiyega, hamare channel ko subscribe kijiyega taaki zyada se zyada ye message logon tak pahunch sake. Imran sahab ulta lete hain zara. किसी जगह करवाते हुए पेन नहीं होनी चाहिए. बेसिकली समझा ही जाता है कि जिन लोगों को पेन है सिर्फ उन्हीं को ये एडजस्टमेंट के सेशन की ज़रूरत होती है. असल में ऐसा नहीं होता. एक फ्रेज़ है, हेल्थ हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिम्टम, हेल्थ इज़ ऑल अबाउट फंक्शनैलिटी. और स्पोर्ट्समैन को उनके सारे स्ट्रक्चर को फंक्शनली मोबाइल और स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस वजह से अगर किसी को पेन है नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट उनके लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह हर मशीन को एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है. लंबा सांस बाहर करके ब्रीद आउट करेंगे. अल्लाह बिल्कुल रिलैक्स्ड. इस तरह हमारा जिस्म भी अल्लाह ने एक बायो मैकेनिक्स का एक स्ट्रक्चर बनाया. इसको भी वेल नोन वेल अलाइंड रहने के लिए एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. गर्दन बिल्कुल रिलैक्स्ड. चेहरा बिल्कुल ढीला. सीधा जाइए. पाँव बिल्कुल ढीला. पाँव बिल्कुल ढीला. आप पेट पर रख लीजिए जी. आपने मैक्सिमम पावर से दोनों घुटनों को आपस में जोड़ के रखना है. जोड़ें टांगे सीधी करनी है. ग्रेविटी हमें कंटिन्यूसली अपनी तरफ खींचती रहती है. हमारी स्पाइन में ये देखें इस तरह कंप्रेशन हो जाता है. इसको डीकंप्रेस करना है. उसके लिए ये मैं आपको गर्दन में रैप करके जेंटली पुल करूँगा. ठीक है, ठीक हो गया. सर उठाइएगा नीचे. दांत आपस में जोड़ लीजिएगा. इसका हल्का सा खिंचाव नीचे भी आप फील करेंगे, हल्का सा, लेकिन हम बिल्कुल जेंटली से करेंगे. दर्द नहीं होनी चाहिए. गर्दन रिलैक्स, पेट में रखें. बाजू उठाइएगा नीचे वाला. सर नीचे. कमर बिल्कुल ढीली, पेट बिल्कुल नरम. लंबा सांस बाहर निकालेंगे करके. बस उस तरफ कर दीजिएगा.
फिर से डीप ब्रीद आउट, अब जनाब बैठिए आराम से, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स्ड, ये वाला सर नीचे, गर्दन बिल्कुल ढीली, मैं हल्का सा गर्दन को एडजस्ट करूँगा, बिल्कुल ढीला, ऊपर देखेंगे लास्ट, बिल्कुल रिलैक्स्ड, हल्का से ऐसे एडजस्ट करेंगे, पेन नहीं होनी चाहिए, करंट तो नहीं आ रहा, जी जनाब जवान हुए हैं कि नहीं? सो दिस इज़ माई सेकेंड सेशन और इट्स बीन रियली रियली गुड, आई फील मच मच बेटर। और मैं ये भी बताता चलूँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मुझे मेरे दोस्त ने बताया सलमान साहब के बारे में और मैं यहाँ पे आया, ये मेरा सेकेंड सेशन है। पहले सेशन के बाद मैं बहुत बेहतर फील करने लग पड़ा हूँ, फिर ये मेरा दूसरा सेशन है, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 100% फिट, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन हैं और हमारी लाइफ में छोटी छोटी इंजरीज होती रहती हैं, सम टाइम आप भागते हो कभी इधर कभी इधर, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए नहीं बनी होती, लेकिन हम स्पोर्ट्स करते हैं और 24 घंटे में से एटलीस्ट हम कोई 8 घंटे ग्राउंड में गुजारते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी अलाइनमेंट भी वो भी ख़राब हो, मैं सही लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि अलाइनमेंट वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने सेशन किया है, आई फील मच मच बेटर। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं भी है, वो पेन रिहैब पे ज़रूर विज़िट करे, क्योंकि एक ज़बरदस्त है स्पोर्ट्समैन के लिए, एक आम इंसान के लिए, एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर सलमान जिन्होंने ये सारा प्रोसेस किया और मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच।